हेलो गाइस, कैसे हो यार? और एक आ गए हैं, एक और फ्लिपकार्ट से हम ऑर्डर किए थे जो मोटरोला का फ़ोन जो है मोटरोला G34 5G। तो दिखाते हैं गाइस कि कैसा रहेगा मोटो ब्लॉगर के लिए और जो गेमिंग करते हैं उसके लिए भी, देखेंगे कैसा रहेगा। 8 GB इसका रैम है और ये हमको पड़ा था 12,060 रुपये का, फ्लिपकार्ट से आ गया है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। और लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इसे खोल दिया था वहीं पर, फिर भी थोड़ा सा दिक्कत भी आ सकता था इसलिए खोल दिया। तो इसे दिखाते हैं और देख सकते हैं। तो ये रहा इसका कुछ बॉक्स, और अब इसे खोलना है, दिखाते हैं आपको, ओपन करते हैं। तो देख सकते हो ये थोड़ा सा कागज वगैरह है पढ़ने के लिए, और ये फोन देख सकते हैं, और ये रहा हमारा फोन। और इसको दिखाते हैं आपको कैसा है, देख सकते हो ये रहा हमारा मोटरोला। और देख सकते हैं क्या ही साइन है इसकी और कितना अच्छा जो है फोन है, आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा फोन है। और ये भी इसको बनाना पड़ेगा और बना के भी दिखाएंगे। और इसका कुछ देख लेते हैं, चार्जर वगैरह क्या क्या इसमें दिया है, इसको हटाते हैं। और ये देखो भाई, ये चार्जर वगैरह है इसका दिया है, साइड को करते हैं। और पिन दिया साइड पिन निकालने के लिए, और कुछ वगैरह नहीं है इसमें, नहीं है। और इसकी वीडियो क्वालिटी भी हमें आपको दिखाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। इसकी वीडियो क्वालिटी और ये आगे का है कैमरा, तो आगे का कैमरा आप लोग देख सकते हो कैसा है, मुझे नहीं पता कैसा आ रहा है। और इसका पीछे का भी आपको कैमरा दिखाएगा इस कैमरा, और आप लोग बताना कैसा है इसका पीछे का। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, गेमिंग के लिए भी अच्छा है ये फोन। और इतना ही, और गाइस मिलते हैं तब तक के लिए आपको अगली वीडियो में। अगर गाइस आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अब मिलेंगे गाइस मोटो ब्लॉगर के साथ, तो आप लोग वीडियो को यार लाइक कर देना और सपोर्ट करो। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।